अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोटा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूँ आसिफ बादी। हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 पार्ट टू पढ़ रहे थे। अब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट टू की बात होगी। पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और उनके फंक्शंस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात, प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। वेल, प्रोटीन पाए जाते हैं मीट में, ग्रेन में, किडनी बीन्स में, डेयरी प्रोडक्ट में, स्किन, हेयर और फीदर जितने भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, गोश्त जितने भी किस्म के, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, कर्ड वगैरह में, उन सब में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स में पाए जाते हैं, फिश में पाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन एज अ सोर्स पाया जाता है। अब पहली बात, प्रोटीन है क्या। वेल, प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर है, ऑब्वियसली बात है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं हाइड्रोलाइसिस क्या है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। रिजल्ट निकलता है उसका मतलब अमाइनो एसिड, यानी ब्रेक डाउन प्रोटीन की करते हैं, कंप्लीटली करते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अमाइनो एसिड बनता है। करेक्ट। अब अमाइनो एसिड क्या है, तो प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर है, इसको तोड़ देते हैं तो वो क्या बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है। अब अमाइनो एसिड क्या है, ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है अमाइनो एसिड की, जो से देखें। ये हमारे पास एक कार्बन है, सेंटर कार्बन, और इस कार्बन के साथ CO, यहाँ पे HBO सकता है, कार्बन आयल ग्रुप है यहाँ पे, और ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा आयल ग्रुप है। ये सिंपल तरीके से एक अमाइनो एसिड को शो करने की कोशिश की गई, यानी प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है। अच्छा, फिर अमाइनो एसिड हमारे पास 20 किस्म के होते हैं, ठीक। और ये अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो इसका मतलब हुआ, प्रोटीन क्या चीज है, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड पर मुश्तमिल एक पॉलीमर, एक बायो मॉलिक्यूल। लेट्स सी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कभी कभार फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन की लिंकेज जो एक दूसरे के साथ होती है वो होती है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन और प्रोटीन एम्फोटेरिक होते हैं। एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, बेस के तौर पर। एम्फोटेरिक आमतौर पर उस चीज को कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी रखता है, जिसका मतलब ये होता है एट द सेम टाइम एक वक्त में वो है तो एसिड हो सकता है या तो बेस हो सकते हैं। ये नहीं हो सकते एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस एट द सेम टाइम, नो। लेकिन एक टाइम में वो या तो एसिड होते हैं या तो बेस होते हैं। अच्छा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये बिल्कुल प्रोटीन को तोड़ा जा सकता है। हम लोगों ने कहा कि भाई प्रोटीन को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो इनडायरेक्टली आप फोड़ते हो, लेकिन डीनेचर भी किया जा सकता है। कैसे, ईट के जरिए, पीच के जरिए, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स के जरिए आप प्रोटीन को तोड़ सकते हो, डीनेचर कर सकते हो, उसका जो अमाइनो एसिड है उनको तोड़ के और भी बना सकते हो। अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड को जरा गौर से, पेप्टाइड लिंकेज जिसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये गौर करिए, हमारे पास एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, ये हमारे पास कार्बन आयल ग्रुप, इसी तरह से ये अमाइनो एसिड भी इसी तरह। अब गौर करें, इसके अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर मूव हुआ, पोलीमराइजेशन हमने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अच्छा, अब ये मोनोमर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है, किस तरह से मिलता है, का नाइट्रोजन वाला साइड, इधर क्या करता है, ऑक्सीजन चला गया, कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो लिंकेज है, ये कौन सा लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अब पहली बात, हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं लेकिन इसका स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पढ़ रहे हैं, कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर प्रोटीन कितनी किस्म के होते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं, कुछ और नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर, इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली, चार किस्म के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब अमाइनो एसिड बॉन्डेड हो विथ पेप्टाइड बॉन्ड इन स्ट्रेट या सीक्वेंस के साथ एक लाइन में कनेक्टेड हो, तो ऐसी चीज को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या मतलब, जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड रखते हों और एक दूसरे की सीध में हो, उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन हो या सीक्वेंस में हो, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक दो तीन चार इस तरह से छह अमाइनो एसिड मौजूद है,
ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड और ये सारे एक अमाइनो एसिड है। अब ये स्ट्रेट लाइन में या सीक्वेंस में मौजूद है तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी पहली किस्म का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ होते हैं वो यही। अब याद रखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे बेसिक चीज, देखिए ये जो पहला अमाइनो एसिड है इसका एन टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है और दूसरा अमाइनो एसिड इसका लास्ट पोर्शन क्या है सी टर्मिनल मॉड्यूल। क्या मतलब, जब भी ये प्रोटीन सिक्वेंसिंग करेंगे यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो एन टर्मिनल स्टार्ट में होगा और आखिर में क्या होना चाहिए सी टर्मिनल होगा। कैसे, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसको कहते हैं एन टर्मिनल, यानी जहाँ अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ऐसा कार्बन है, ये एन टर्मिनल कहलाता है। अब ये देखना ये कहलाता है सी टर्मिनल दूसरा कोना से, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है इसीलिए सी टर्मिनल नाम दिया गया। अब क्या होता है ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जब कंबाइन होता है पोलीमराइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। लेकिन उनके पेप्टाइड बॉन्ड बनने की शर्त क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ कि हमारे पास एन टर्मिनल शुरू में और लास्ट जो प्रोटीन होगा उसमें क्या होना चाहिए सी टर्मिनल होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, सीक्वेंसिंग डिफरेंट हो जाए चेंज हो जाए तो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है प्रोटीन रिलेटेड। अच्छा सेकेंडरी प्रोटीन यानी दूसरी किस्म का प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम देखते हैं। थ्री डायमेंशन में इसका स्ट्रक्चर या तो फोल्डिंग होता है या जिगजैग होता है, करेक्ट करेक्ट, क्या जिसका मतलब ये हुआ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो किस फॉर्म में मौजूद है, कॉइल की फॉर्म में मौजूद है, जिगजैग की फॉर्म में मौजूद है, पेप्टाइड मॉन्टेज में मौजूद होंगे वैसी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक और बॉन्ड मौजूद है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, होता ये है हाइड्रोजन और उसके साथ का करीब का अंगूठा या एडजेसेंट कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो क्या करता है उसका लोन पेयर हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है चार्ज के डिफरेंस की वजह से एक पोलरिटी काज होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काज होती है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब टू एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ये प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिल के बना है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है कॉइल जैसा है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है यानी पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद है पॉली पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन उसके बावजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। नेक्स्ट देखिए ये जिगजैग स्ट्रक्चर है यानी इसका मतलब इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है लेकिन साथ में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है। अच्छा अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल हमारे पास माइक्रोग्लोबुलिन है, ये देखें ये हमारे पास यहाँ से स्ट्रक्चर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है जिगजैग बन रहा है, इनमें पेप्टाइड लिंकेज मौजूद है साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जब आप बैंड करते हो फोल्ड करते हो और कम्प्लेक्स थ्री डी स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें वेरी बात है पेप्टाइड लिंकेज अब भी मौजूद है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा प्राइमरी में जो लिंकेज मौजूद थी उसका नाम था पेप्टाइड लिंकेज पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, सेकेंडरी में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है, डाइसल्फाइड ब्रिज भी साथ में मौजूद है। क्या चीज़ है अभी देखते हैं, ये सब यूनिट के तौर पर एक करते हैं। जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास ये प्रोटीन कौन सा है, बैंड है फोल्ड है, लेकिन कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बैंड है फोल्ड है और हमारे पास इससे बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें पेप्टाइड लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड सब मौजूद है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा से, जब देखेंगे हमारे पास एक प्रोटीन है टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या सिचुएशन है सेकेंडरी कम्प्लेक्स फॉर्म में फोल्ड है बैंड है, अब यहाँ और करें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है सही, यहाँ और करें डाइसल्फाइड ब्रिज, यहाँ और करें आयनिक बॉन्ड है और यहाँ देखें पॉलीपेप्टाइड की मतलब लिंकेज मौजूद है, ये सारा बेस मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड ब्रिज और आयनिक बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज सब मौजूद है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जब दो तीन चार टर्शियरी स्ट्रक्चर वो क्या है उनके चेन मिक्सअप हो जाए तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाए, क्या मतलब दो तीन चार टर्शियरी स्ट्रक्चर सही वही बैंड फोल्ड कॉइल और वो सारी कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेज जो मौजूद है वो सब क्या हो जाते हैं साथ में हो तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है और उसको कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ये क्या है एक टर्शियरी स्ट्रक्चर।
ये क्या है, दूसरा टर्फ शीर्षक, ये तीसरा टर्फ शीर्षक सर, ये चौथा टर्फ शीर्षक है, सारे एक साथ मौजूद हैं, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन रिंग स्ट्रक्चर। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तीन जो है काइटिन के केस में आपके बुक में एग्जाम्पल मौजूद है। हम इमोग्लोबिन का केस कंसिडर करें जिसमें चार होते हैं, ऐसे चार चेन होती हैं, लेकिन किस चीज की, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो हमने पहले पढ़ा था वो स्ट्रक्चर प्रोटीन की बुनियाद पर हम उसकी क्लास टाइप्स पढ़ रहे थे। असल क्लासिफिकेशन प्रोटीन की क्या है, ये सामने मौजूद है। इसमें प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल प्रोटीन में, कंपाउंड प्रोटीन में और ड्राइव प्रोटीन में। सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव, अब हम सबको डिटेल में देखेंगे। अब सिंपल प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जिनको तोड़ दो उनका नतीजा क्या निकले, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड निकलता है। क्या मतलब, ये वो प्रोटीन है जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हो तो रिजल्ट क्या है, अमाइनो एसिड है, या अमाइनो एसिड के साथ और क्या चीज मौजूद होगी, पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, वही होंगे। तो ऐसी प्रोटीन्स को कहा जाता है सिंपल प्रोटीन्स, जिसका मतलब है प्रोटीन व्हेन हाइड्रोलाइज रिजल्ट्स इन अमाइनो एसिड और सिंपल डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। यानी जब भी इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, तोड़ा जाए पानी की मदद से, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज किया जाए, तो नतीजा क्या निकलता है, अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के दूसरे साथी जिनको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं हम लोग से। एग्जाम्पल, हमारे पास एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है जो सिंपल प्रोटीन है, ये ब्लड में पाया जाता है, एग व्हाइट में और व्हीट में पाया जाता है। ग्लोबुलिन है, ब्लड में, मसल में और पोटैटोज में पाए जाते हैं। ग्लूटिनिन है जो कि व्हीट और राइस में पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है हमारे पास, उसको कहते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन कौन से होते हैं, जाहिर बात है ये वो प्रोटीन है जो कि बने होते हैं अमाइनो एसिड एक चीज, दूसरा है नॉन अमाइनो एसिड या नॉन प्रोटीन पार्ट के। यानी ये बने होते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन और नॉन अमाइनो एसिड कोई ऐसे पोर्शन जो कि प्रोटीन नहीं कुछ और है उससे मिलकर बने होते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये उस किस्म का प्रोटीन है, अमाइनो एसिड और नॉन अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। जब भी एक प्रोटीन है उसको आपने आइडोलाइज कर दिया, थोड़ दिया, तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक चीज है उसका नाम है अमाइनो एसिड, दूसरी चीज है नॉन अमाइनो एसिड। तो ऐसी प्रोटीन का नाम क्या हुआ, कंजुगेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ऐसा प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट अमाइनो एसिड जमा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कर दिया हम लोगों ने, इसका नाम है ग्लाइको प्रोटीन। यानी एक चीज है अमाइनो एसिड प्रोटीन है, दूसरा शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसी चीज को कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं इसका हिस्सा। दूसरा प्रोटीन अमाइनो एसिड है, साथ में लिपिड मौजूद है, इसको कहते हैं लिपो प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास है जो कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। ड्राइव प्रोटीन, अब ड्राइव प्रोटीन क्या है, जो हमारे पास पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन की, यानी पहले वाले प्रोटीन की सिंपल जिनसे अमाइनो एसिड निकलते हैं उनके डेरिवेटिव, या दूसरे वाले प्रोटीन जिनमें अमाइनो एसिड और लिपिड या अमाइनो एसिड साथ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उनको आप हाइड्रोलाइज कर दो, उनको छोड़ दो, और उनके नतीजे में जो प्रोटीन ड्राइव करता है, जो प्रोटीन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। यानी मतलब पहली किस्म सिंपल प्रोटीन, दूसरी किस्म कंजुगेटेड प्रोटीन, दोनों को आप डी नेचर कर दो, तोड़ दो, उसके नतीजे में जो रिजल्ट निकलता है जिसमें प्रोटीन हिस्सा हो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। कैसे, इसको तोड़ा जाता है एसिड की मदद से, अल्कली की मदद से, या एंजाइम्स, एसिड या बेस या एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, जिसका हम लिंकेज की बात कर रहे थे, पॉलीपेप्टाइड असल में क्या, ड्राइव प्रोटीन है। कैसे, जब किसी आप प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन उसको तोड़ देते हो तो उसमें अमाइनो एसिड होगा, ऑब्वियस सी बात है, साथ में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या लिंकेजेस होंगे। उन लिंकेजेस में एक पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, जो कि ओरिजिनल प्रोटीन कैसा है, तो इसीलिए इसका नाम ड्राइव प्रोटीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा प्रोटीएज है, ये एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये बेसिकली क्या है, ड्राइव प्रोटीन। हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट, अब ये हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये भी एंजाइम है, तकरीबन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स वो हैं जो मुख्तलिफ फीचर काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सही। तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन है। इमोग्लोबिन जानते हैं, एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पढ़ी पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू टिश्यूज, तो ये बेसिकली क्या है, ये खुद एक प्रोटीन है। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज मेटाबोलिज्म के लिए, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं डायबिटीज के पेशेंट, तो इंसुलिन खुद क्या है, एक प्रोटीन है,
मायोसिन एक प्रोटीन है, मसल्स में पाया जाता है, मसल्स के फंक्शंस को करने के लिए इसको होना जरूरी है। अच्छा प्रोटामाइन्स, प्रोटामाइन्स क्या चीज है? ये प्रोटीन है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, आरएनए डीएनए जिनकी बात हो रही है जी। ठीक, इनका काम क्या है? एरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना, जनरेशन से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो इंफॉर्मेशन है एरिडिटी की, उसको कैरी आउट करना, उसको आगे ट्रांसफर करना। ये खुद क्या है? प्रोटामाइन जो है वो प्रोटीन है। अच्छा प्रोटीन इंपॉर्टेंट कैसे है डाइजेशन में? पहली बात है हमारे डाइजेशन गट्स के अंदर जो प्रोसेस होते हैं यूटिन, वो सारे प्रोसेस उसको कैरी आउट करना प्रोटीन का काम है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इनका इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा मूवमेंट, मसल्स की जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रेक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व है। इसके अलावा प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व है? सबसे बेसिक चीज़ प्रोटीन ये ऐसी चीज़ है जो प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या मतलब? प्रोटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा जिसमें तमाम लिविंग मैटर, न्यूक्लियस से लेकर तमाम मैटर, सेल मेम्ब्रेन तक जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें लिविंग मौजूद हैं उस सेल के अंदर, उस सबको बनाने में, उस सबको फॉर्मेशन करने में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसकी? प्रोटीन। वेल थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे पार्ट टू खत्म होता है। आज हमने प्रोटीन खत्म किया, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थ्री में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पोर्शन को। इट्स मी आसिफ बाजनी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।